दमो जिले के तेंदुखेड़ा में बाबूदादा की दुकान पर बिकने वाली हींग बेहद ही असरदार है। इस हींग का सेवन करने से बॉडी का बढ़ता हुआ वजन भी तेजी से घटने लगेगा। आयुर्वेद के मुताबिक यह हींग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में भी असरदार है। भले ही लोग इसका इस्तेमाल भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए खूब करते हैं, वास्तव में यह हींग आयुर्वेद में चमत्कारी गुणों की खान मानी जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के दिनों में हींग बहुत ही फायदेमंद होती है। यह एक प्रकार का तरल होता है जो पेड़ की जड़ों से रिसने वाले दूध से तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल हम घोल बनाकर खाने का स्वाद बढ़ाने में करते हैं। हमारा नाम रोहित चंदोदी ठाकर है। यहाँ की बाबूदादा की हींग प्रसिद्ध है। दमोह जिला से आते हैं, जबलपुर जिला से, सागर से, नरसिंहपुर जिला से। कितने सालों से बिक रही है यहाँ? 50 साल से बिक रही है। बहुत दूर दूर जाती है यही हींग। बहुत ही फायदेमंद, जो ये एक प्रकार का तरल होता है जो एक पेड़ में रेजिन टाइप का होता है वो निकलता है, उसी का यूज़ करते हैं। इसको जो है एक बढ़िया सा घोल बनाया जाता है हींग का, और फिर इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो सब्जी में, कड़ी में, जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें स्वाद बढ़ाने का काम करता है ये। बघार लगाते हैं इसका। इसका जो है एक जो बदहजमी के पेशेंट होते हैं, कब्ज के पेशेंट होते हैं, और जिनके पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये कैंसर रोग में भी इसका यूज़ किया जाता है। त्वचा के रोगों में इसका यूज़ किया, अगर त्वचा पे इसका लेप लगाते हैं तो ये जो है उनको लेप लगाने से उसमें सौंदर्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक्ने हो गए हैं या फिर कुछ फ्लेमिसिस टाइप की हो जाती है चेहरे पर, उनको दूर करता है इसका लेप। फिर अगर हम अपने बीमारियों के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैंसर हो गया जैसे, या एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है इसमें, एंटी बायोटिक का गुण भी है इसमें, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का काम करता है ये।